हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको कोड करेंगे, और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारे पास क्या कह रही है। ठीक है, ईजी लेवल की अपने पास प्रॉब्लम आई हुई है। तो स्टेटमेंट ये कह रही है एक बाइनरी मैट्रिक्स गिवन होगी, इसका मतलब उसमें सिर्फ हमारे पास जीरो और वन होगी। योर टास्क इज टू फाइंड ऑल यूनिक रोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपेयरेंस इन द मैट्रिक्स। मतलब हमें क्या है, जैसे रोज गिवन है ये रो ये रो ये रो, ठीक है, हमें क्या करना है भाई, अपनी यूनिक रो अपनी फाइंड करनी है। जो रो एक बार आ चुकी है उसको दोबारा नहीं लेना है, और जिस सीक्वेंस में वो आ रही है वैसे ही लेना है। जैसे 1101 पहले आया तो उसको पहले ही लेना है, उसके बाद 1001 आया उसको लेना है, और 1101 पहले आ चुका है तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक तरह से आप कह सकते हो डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, बिल्कुल सिंपल। जो हम एरे में डुप्लीकेसी रिमूव करते हैं वैसे हमें मैट्रिक्स में डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, लेकिन एलिमेंट की नहीं, अपनी रोज की। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर जाकर समझते हैं अपना। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है भाई, कुछ 1101 1001 1101, ठीक है, यही गिवन है। तो देखो अगर मैं आपको कहता हूँ आपके पास 1012426, ठीक है, खाली बाइनरी नहीं, कुछ इस तरह का एरे गिवन हो। ठीक है, अभी मैट्रिक्स की बात नहीं करते, अगर आपको एरे गिवन हो, मैं आपको कहूँ कि आपको सारे यूनिक एलिमेंट निकालने हैं। ठीक है, पहला मेथड ही आपके माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में पहला मेथड ये आएगा कि भाई मैं तो हैश मैप यूज़ कर लूँगा। ठीक है, हैश मैप आप यूज़ कर लोगे, आप क्या करोगे, 1 की एंट्री 1, ठीक है, 2 की एंट्री, अपने पास 1 मतलब 2 बार प्रेजेंट है, 2 आपका 2 बार प्रेजेंट है, या तो आप ऐसे कर लोगे कि भाई सारी की एंट्री पुट करके फिर हर एक की उठा लोगे, या आप कैसे कर सकते हो, जैसे 1 की एंट्री जब आपकी 1 हो जाएगी, जब 1 दोबारा आएगा आप चेक करोगे उसकी एंट्री पहले से 1 है, इसका मतलब मैं उसको ले चुका हूँ, सर मैं उसको दोबारा नहीं लोगे। ठीक है, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो अपना यूनिक एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। ठीक है, अब मैट्रिक्स में यूनिक रोज निकालने हैं आपको, तो आपके माइंड में यही मेथड आ सकता है, यही मेथड आपका चलेगा भी, लेकिन आपको एक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्या आएगी, जब आप देखो इसमें आप क्या यूज करोगे, अन ऑर्डर्ड मैप। ठीक है, अन ऑर्डर मैप ऑर्डर्ड यूज नहीं करोगे, क्योंकि यार आपको सॉर्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर्ड इसलिए नहीं लोगे अपना, बिना फालतू में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप सिंपल मैप लोगे अपना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी फिर एन लॉग एन बनकर आ जाएगी एरे के केस में भी। ठीक है, तो ये अपने क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है तो हमें वो अपना चक्कर नहीं पाना है, तो अन ऑर्डर लेंगे एरे के केस में भी, और इस केस में भी आप सोचोगे कि अभी मैं अन ऑर्डर लूँगा, पर वहाँ पर आपको एलिमेंट इंट लेना था, इसका मतलब वहाँ पर आप उसका जो टाइप लेते वो क्या लेते, इंट कॉमा इंट, एक की भी इंट है, वैल्यू भी उसकी इंट है। यहाँ पर आप कहोगे कि मैं जो अनऑर्डर्ड मैप लूँगा वो ले लूँगा भाई, अब मेरे पास जो की है वो किस टाइप की है, एक रो है जो कि हो सकती है वेक्टर ऑफ इंट, उसकी वैल्यू होगी इंट के, वो प्रेजेंट है या नहीं, अगर जीरो है तो प्रेजेंट नहीं है, जीरो से अलग कुछ है तो प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन आप जब इसको चलाओगे ना भाई ये एरर दे देगा, क्योंकि ये अनऑर्डर मैप में डायरेक्ट अपना सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, आप इसको मैप में चलाओगे बढ़िया चलेगा, बढ़िया भाग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। तो भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, देखो वेक्टर ऑफ इंट तो नहीं सपोर्ट करता, लेकिन भाई स्ट्रिंग तो सपोर्ट करता है ना, हम जो ये वेक्टर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने पास बाइंड्री ही तो है, बाइंड्री हो चाहे कुछ भी हो उसको हम आराम से अपना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक दिक्कत आ सकती है, अगर बाइंड्री से अलग कोई मैट्रिक्स गिवन हो आपके पास, वो दिक्कत क्या आ सकती है कि जब आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे ना, तो जो 12 होगा वो आप रीड नहीं कर पाओगे, वो 1 2 है या सिंगल 12 है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो डिजिट की लेंथ है वो 0 1 ही होगी। ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा, मतलब डिजिट की लेंथ 1 ही होगी हमेशा। ठीक है, तो मतलब मैं वैक्टर को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास 1101 हो, मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अगर कन्वर्ट कर लूँगा, इस पर तो लग जाएगा ना अनऑर्डर्ड मैप, तो मैं क्या करूँगा इस पर अनऑर्डर्ड मैप अप्लाई कर दूंगा। अब उसकी जो की रहेगी उसका टाइप होगा स्ट्रिंग, वैल्यू उसकी रहेगी इंट। ठीक है, एमएम नाम से हम अपना बना लेंगे जो हमेशा बनाते ही है। मैं कोई भी रो पुट करूँगा, मान लीजिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ 1101 1001 1101, फिर 1001 1111 0000। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पर, आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग लोगे खाली स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे आपने
इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इस मैप में स्ट्रिंग की एंट्री देखी, क्या ये प्रेजेंट है? अभी तक तो मैप मेरा खाली है भाई, ये प्रेजेंट ही नहीं है। अब ये प्रेजेंट नहीं है तो भाई इसको प्रेजेंट कर दो, ठीक है, इसको प्रेजेंट कर दो और इसको अपना आंसर में भी ले लो। मैंने इसको अपना आंसर में भी ले लिया। अब आंसर में आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं लेना है, आंसर में आपको वेक्टर ही लेना है। तो जब आप इसको स्ट्रिंग में पुश करोगे तो एक वेक्टर भी ले लोगे, टेम्परेरी वेक्टर कह लो कुछ भी, उसमें आप इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर भी इसको पुश कर लोगे, इन द फॉर्म ऑफ एरे, ताकि आप इसको आंसर में पुश कर सको, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग पुश नहीं होगी, हमें वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर रिटर्न करना है। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, इस रो पर आएंगे, स्ट्रिंग दोबारे खाली करी, स्ट्रिंग को ले लिया भाई, 1001 बना लिया स्ट्रिंग को। चेक करा क्या प्रेजेंट है मैप में, जी नहीं प्रेजेंट नहीं है, चलो ठीक है भाई इसको प्रेजेंट भी कर दो, साथ साथ इसको आंसर में भी ले लो। फिर इस पर आए, स्ट्रिंग बन गई मेरी 1101, मैप में चेक करा भाई ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो आंसर में नहीं लेना, बात खत्म। इस पर आए, स्ट्रिंग बन गई मेरी 1001, मैप में चेक करा ये तो प्रेजेंट है तो आंसर में नहीं लेना, ठीक है। इस पर आए, चेक करा, पहले स्ट्रिंग बनाई 1111, चेक करा मैप में प्रेजेंट नहीं है तो प्रेजेंट कर दो, अब प्रेजेंट कर दी तो आंसर में भी ले लो। इस पर आए, स्ट्रिंग बन गई मेरी 0000, ठीक है, 4 बार मैप में देखा प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है तो भाई प्रेजेंट कर दो, ठीक है, इनकी एंट्री 1 कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो आपकी मर्जी है, बस आपको एक बार एंट्री करनी है, बाकी बात खत्म, ठीक है। साथ साथ इसको आंसर में भी ले लो, लास्ट में इसको आंसर को सीधा रिटर्न कर दो, बस इससे ज़्यादा अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब सिंपल, हमें इसको ट्रैवर्स करना है, इसको जब ट्रैवर्स करते चलेंगे, जब एक एक रो को ट्रैवर्स करते चलेंगे, उसको स्ट्रिंग में पुट करते चलेंगे, उसकी एंट्री मैप में करते चलेंगे, अगर उसकी एंट्री पहली बार हो रही है तो उस वाली जो रो को है उसको आंसर में भी पुश करते चलेंगे, ठीक है। और अगर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बन कराने वाली है, आप पूरी अपना जो मैट्रिक्स है उसको ट्रैवर्स कर रहे हो, एन क्रॉस एम, ठीक है, ऑफ एन क्रॉस एम, एन क्या है नंबर ऑफ रो, एम क्या है नंबर ऑफ कॉलम, इसको आप कह सकते हो रो और कॉलम भी, जो मर्जी कह लो, ठीक है, जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है वैसे लिख लो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऐसा हो सकता है सारी की सारी रो ही मेरी आंसर में आ जाए, ठीक है, मतलब जो मैट्रिक्स है वो पूरी की पूरी मेरा आंसर हो, तो वो भी एन क्रॉस एम, ये मेरी रो, ये मेरी कॉलम, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको दोनों लैंग्वेज में कोड करेंगे, साथ साथ अपना ड्राई रन भी करते चलेंगे। तो ड्राई रन के लिए मैं क्या करता हूँ भाई, अपना जो मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उसको ही हल्का सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, 1101, फिर 1111, फिर 1001, ठीक है, ये ही लिख लेते हैं बस, ठीक है। अब चलते हैं, करते हैं इसको कोड। अब मेरे को क्या करना है, वेक्टर ऑफ, वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट अपना, ठीक है, आंसर नाम से बना लेता हूँ, ये बन गया जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मेरे को सिंपल अपना मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करना है, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन रो, ठीक है, आई प्लस प्लस, ये रो के लिए हो गया, फोर इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन कोल, जे प्लस प्लस, ठीक है, ये कॉलम के लिए हो गया। अब देखो, जब आप किसी भी नई रो पर आओगे, ठीक है, अपना देखते चलते हैं, जब आप पहली नई रो पर आए, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को एक को एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेना है। चलते हैं, एक स्ट्रिंग यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस करके एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं जी। अब कॉलम में आ गए, अब मतलब आप इस रो को ट्रैवर्स कर रहे हो पूरी को, अब रो को ट्रैवर्स कर रहे हो तो एक 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 डिजिट अपना आपने स्ट्रिंग में ऐड करते जाना है। अब ये है इन द फॉर्म ऑफ इंट, आपको इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर अपना ऐड करना है। कैरेक्टर में सिंपल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके वैल्यू का अपना यूज करके, जैसे इसको ये करोगे तो ये आपका ये बन जाएगा, इसको ये करोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, ये अपना कैरेक्टर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एक एक अपना इंट आता रहेगा, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके इसमें अपना पुश बैक करते चलेंगे, ठीक है। तो मतलब हम सिंपल क्या करेंगे, एच डॉट पुश बैक, ठीक है, अपना जीरो लगाओ जी, प्लस एम ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, जो भी शुरू में जीरो या वन है वो अपनी सारी एस में पुश बैक हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा था आपको, स्ट्रिंग के साथ साथ एक आपको टेम्प अपना वेक्टर भी ले लेना है, क्योंकि आपको जो आंसर में लेना है वो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ही लेना है, उसमें भी आप 1101, ठीक है, ये आपकी क्या बनकर आ जाएगी, 1101, और ये भी आपका वेक्टर ये बनकर आ जाएगा। तो क्या करते हैं अपना वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, टेम्प ले लेते हैं, साथ साथ हर एक चीज टेम्प डॉट पुश बैक, ठीक है, एम ऑफ आई ऑफ जे।
अब मेरे पास ये दोनों चीजें बनकर आ चुकी है, ये स्ट्रिंग भी बनकर आ चुकी है, ये भी बनकर आ चुका है। अब मेरे को मैप लेना है एक, उस मैप में इसकी एंट्री चेक करनी है, क्या ये स्ट्रिंग मेरे पल्ली आ चुकी है या नहीं। तो क्या करते हैं भाई, ऊपर मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड, अन ओ आर डी ई आर ई डी, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कोमाइंड। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, अगर मैप में इस स्ट्रिंग की एंट्री नहीं है तो इसका मतलब पहली बार आई है ये रो, पहली बार आई है तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर हमारे पास टेम्प में स्टोर है, इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो इस स्ट्रिंग की एंट्री कर दो भाई, ये हम ओपन आंसर में ले चुके हैं, और लॉजी आंसर में भी ले लो भाई, इसको आंसर में ले लो अपना टेम्प। ठीक है, लास्ट में आकर अपना रिटर्न कर दो आंसर। अब चला कर देखते हैं भाई इसको, ये ठीक चल रहा है या नहीं, इसमें कोई एरर आएगा तो उसको भी देख लेंगे। नहीं चल रहा है भाई, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, और अपना ड्राई रन पूरा नहीं हुआ अभी तक, उसको ड्राई रन भी करते चलते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास ये चीजें आ चुकी थी, मेरा मैप खाली ही है, मैप खाली है तो कोई भी एंट्री नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिंग की एंट्री मेरे को नहीं मिलेगी, तो अपनी इफ ये वाली चल जाएगी। जैसे इफ चलेगी, मैं क्या करूंगा, इस वाली स्ट्रिंग की अपनी एंट्री कर दूंगा, वन से मेरी एंट्री हो चुकी है, साथ के साथ इसको मैं अपना आंसर में पुश कर दूंगा। जैसे फिर मैं इस पर आऊंगा, मेरी स्ट्रिंग फिर से एम्प्टी बनेगी, फिर से मेरा एक टेम्प बनेगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उस टेम्प में इसको तो पूरे का पुश करूंगा ही, साथ साथ स्ट्रिंग में क्या कर दूंगा, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग इसको भी बना लूंगा। फिर मैं मैप में बाहर आकर चेक करूंगा, क्या इस स्ट्रिंग की एंट्री है, नहीं है मेरे पास, नहीं है तो इसकी मैं एंट्री कर दूंगा, साथ साथ इसको अपना आंसर में भी ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं जब इस पर आऊंगा, ये भी मेरे को मैप में नहीं मिलेगा तो इसकी भी मैं एंट्री कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी अपना आंसर में ले लूंगा। फिर मैं जब इस पर आऊंगा, ये मेरे को मैप में मिल जाएगा, इसको नहीं लूंगा। इस पर आऊंगा, ये मैप में नहीं मिलेगा, इसकी एंट्री कर दूंगा, इसकी एंट्री कर दूंगा, इसको आंसर में भी ले लूंगा, ये मेरे को मैप में मिल जाएगा, फाइनली मेरा ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सबमिट करके दिखाया, चलते हैं लिखते हैं इसका जावा कोड। अब यहाँ पर मेरे को एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बना लेते हैं भाई इंटीजर की। ठीक है, आंसर नाम से बना लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है जी, ये बन गई मेरी एरे लिस्ट। उसके बाद मेरे को हैश मैप बनाना है, एक हैश मैप स्ट्रिंग और अपना इंटीजर का। ठीक है, ये एम नाम से बना लेते हैं, न्यू हैश मैप, ये बन गया अपना हैश मैप। उसके बाद मेरे को अपना मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करना है, यहाँ पर जो मेरे पास है रो की जगह आर दिया है, ठीक है, और कॉलम कॉल की जगह सी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉल के लिए भी चला लेते हैं अपना, बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें एक यहाँ पर स्ट्रिंग बनानी थी, स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर बना लेंगे। ठीक है, ताकि अपना ज़्यादा टाइम वगैरह ना ले, क्योंकि इम्यूटेबल होती है अपनी यहाँ पर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ऐसे नाम से बना लेते हैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ये बन गया अपनी स्ट्रिंग बिल्डर। साथ साथ मेरे को एक एरे लिस्ट भी बना लिया बनानी है, जैसे वहाँ पर मैंने अपना वेक्टर बनाया था टेम्प नाम से। ठीक है, क्योंकि पुश तो यही होगा ना मेरे पास। उसके बाद ये बन गई मेरी टेम्प करके अपना एरे लिस्ट। ठीक है, जितना काम हुआ, अब मेरे को ये जो पूरी रो है इसको स्ट्रिंग में भी लेना है, एरे लिस्ट में भी लेना है, तो मैं स्ट्रिंग में तो ले ही लूंगा। ठीक है, स्ट्रिंग में अपना इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर हमें लेना है, यहाँ पर ए एम की जगह ए नाम है, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ के साथ अपना टेम्प में ऐड भी कर देना है मेरे को, किसको, ए ऑफ आई ऑफ जे को। ठीक है, अब मेरे को क्या चेक करना है, इफ एम एम में अगर मैं गेट करता हूँ किसको, एस को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर है ना, वो एस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अगर मैं गेट करता हूँ और वो आ जाता है नल के इक्वल, इसका मतलब वो मेरे पास मैप में प्रेजेंट नहीं है, मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो उसको मैं अपना मैप में सबसे पहले तो प्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, वन से प्रेजेंट कर देता हूँ उसको, मैंने प्रेजेंट भी कर दिया। अब मेरे को इसको अपना आंसर में भी लेना है, तो आंसर डॉट ऐड मैं क्या कर दूंगा, अपना टेम्प। ठीक है, साथ के साथ मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, आर ई टी यू आर एन रिटर्न आंसर। ठीक है, इसको भी आपको चला कर दिखाता हूँ, और दोनों कोड का लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत
ना आ रही हो, ठीक है, आनी तो नहीं चाहिए भाई, आ गई दिक्कत, देखते हैं कहाँ पर दिक्कत आई है। दिक्कत ही आई है, यहाँ पर आएगा इक्वल इक्वल नल, ठीक है, इक्वल इक्वल नल है तभी इसका मतलब मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, चलाते हैं इसको, अब चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहिए ठीक है, कहीं चल रहा है, इसको सब्मिट करते हैं। दोनों कोड का लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अपने इंस्टा और लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो 1-to-1 अपना DSA मॉक इंटरव्यू इन हिंदी, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने नीचे लिंक गिवन अपना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।